हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे एक क्विक ब्रेकफास्ट की डिश। इसमें एग्स भी है, वेजिटेबल्स भी हैं और चीज़ भी है, तो बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली चीज़ है ये। बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनती है ये रेसिपी। ब्रेकफास्ट के लिए ये क्विक रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए ये हेल्दी, टेस्टी और क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी वेजीज़ को सॉटे कर लेंगे पैन में। मैंने यहाँ गाजर, कैप्सिकम और स्प्रिंग ऑनियन, मतलब कि हरा प्याज ले लिया है। बस एक मिनट तक इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक सॉटे कर लेना है। फिर हम उसी पैन में आधा चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल को ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। उस पर हम ये ऐसे कट किए हुए ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे। यहाँ मैंने दो एग्स फोड़ लिए हैं। एक एग एक ब्रेड में डालेंगे और दूसरा एग दूसरे ब्रेड में डाल देंगे। ऊपर से आधा चम्मच नमक स्प्रिंकल कर देंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। अब डाल देंगे हमने सॉटे की हुई वेजीज। यहाँ मैंने गाजर डाल दिया है। फिर डालेंगे कैप्सिकम और फिर स्प्रिंग ऑनियन। फिर उन पर हम ये चीज़ स्लाइसेस रख देंगे। नॉर्मल चीज़ क्यूब जो बाज़ार में मिलता है उसी की मैंने ऐसे स्लाइसेस कट कर ली है, वही ऐसे रख देंगे। चीज़ स्लाइसेस ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर इसे ऐड करने से बहुत ही टेस्टी सैंडविच लगता है। ऊपर से ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे हमने जो कट किए थे, और हमें ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है इन्हें, ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए। अब हम इसे ढक के पकाएंगे थोड़ा सा। इसको अब हम 2 मिनट तक ढक लेंगे, ताकि बस चीज़ मेल्ट हो जाए। अब हम हमारे सैंडविच पलट कर देखते हैं। ये देखिए, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इनका। अब एक तरफ से तो अच्छे से ये सिक गए हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन होने तक सेक लें और बस इन्हें प्लेट पर निकाल लें। तो रेडी है हमारा ये यूनिक स्टाइल का एग, वेजीज और चीज़ का सैंडविच। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप भी ज़रूर ब्रेकफास्ट में इसे बनाना। आपको ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसे लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।